इस वीडियो में बात करेंगे थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेट मटेरियल के डिफरेंस के बारे में कि क्या क्या डिफरेंस है दोनों मटेरियल में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो हमारा थर्मोप्लास्टिक मटेरियल होता है उसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, यानी कि अगर हमने एक बार कंपोनेंट बना दिया, जो हमारा वेस्टेज मटेरियल निकलेगा उसको हम रिसाइकिल करके दोबारा हम अपने उपयोग में ले सकते हैं। जबकि वहीं अगर हम बात करें थर्मोसेट मटेरियल में, थर्मोसेट जो हमारा मटेरियल होगा उसको हम रिसाइकिल नहीं कर सकते, जो हमारा उसका वेस्टेज होगा उसको हमें फेंकना ही पड़ेगा, बेकार ही जाएगा, उसको हम रिसाइकिल करके दोबारा यूज में नहीं ले सकते। जो हमारा थर्मोप्लास्टिक मटेरियल होता है सॉफ्ट होता है, वीक होता है और लेस ब्रिटलनेस होती है उसमें, ज़्यादा कठोर नहीं होता है, सॉफ्ट होता है, नरम होता है। और जो हमारा थर्मोसेट मटेरियल होता है वो हार्ड होता है, स्ट्रांग मजबूत होता है और मोर ब्रिटलनेस उसके अंदर होती है। जो हमारा थर्मोसेट मटेरियल है उसके अंदर ब्रिटलनेस ज़्यादा होगी, हार्ड होगा और स्ट्रांग होगा। तीसरा पॉइंट, जो हमारा थर्मोप्लास्टिक मटेरियल होगा वो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल होगा, यानी कि मिल जाएगा, घोलने पर घुल जाएगा। और जो हमारा थर्मोसेट मटेरियल होगा किसी भी इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल, यानी कि घुल नहीं सकता, नहीं घुलेगा। जो हमारा थर्मोप्लास्टिक मटेरियल होता है उसको हम एडिशन पॉलीमराइजेशन के द्वारा फॉर्म्ड करते हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन टेक्निक के द्वारा फॉर्म्ड करते हैं। और जबकि हम थर्मोसेट मटेरियल जो हमारा होता है उसको हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन टेक्निक के द्वारा हम फॉर्म्ड करते हैं। तो जैसे कुछ मटेरियल के उदाहरण हैं यहाँ पे, जैसे PP, PP, PS, ये हमारे थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है। और जो हमारा थर्मोसेट मटेरियल है PF, UF और MF, ये हमारे थर्मोसेट मटेरियल के उदाहरण हैं। थर्मोप्लास्टिक मटेरियल ऐसा इसलिए नहीं, थर्मोप्लास्टिक मटेरियल इसलिए मैं यूज में ले, क्योंकि इसमें जो हमारा थर्मोप्लास्टिक मटेरियल होता है वो पहले मेल्ट होता है, मेल्ट होने के बाद अगर हम उसको कूल करेंगे तब सॉलिडिफाई होगा, हम किसी थोड़े टाइम तक टेम्परेचर के अंदर उसको मेल्ट फॉर्म में रख सकते हैं। जबकि हमारा थर्मोसेट जो मटेरियल है उसके अंदर क्रॉस लिंकिंग होती है, क्रॉस लिंकिंग होने के कारण उसको हम ज़्यादा टाइम तक, या उसको कहें कि ना के बराबर, वो हमारा डायरेक्ट सॉलिडिफाई होता है, हीट होने के बाद डायरेक्ट सॉलिडिफाई होता है, वो हमारा मेल्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता। थर्मोसेट मटेरियल का उपयोग जनरली हम कंप्रेशन मोल्डिंग प्रोसेस में प्रयोग करते हैं। जनरली जो ज़्यादातर हम कंप्रेशन मोल्डिंग प्रोसेस में थर्मोसेट मटेरियल का प्रयोग करते हैं। और जो हमारा थर्मोप्लास्टिक मटेरियल होता है इसका प्रयोग हम इंजेक्शन मोल्डिंग में जनरली करते हैं, कि मतलब ज़्यादातर मशीनों में, जैसे अगर हमें इंजेक्शन मोल्डिंग में अगर अपने थर्मोसेट मटेरियल को चलाना है तो इसके लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है उसको फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम थर्मोसेट मटेरियल को अपने इंजेक्शन मोल्डिंग में चला सकते हैं, वो भी ना के बराबर। थर्मोप्लास्टिक मटेरियल का प्रयोग हम इंजेक्शन मोल्डिंग से कंपोनेंट को फॉर्म्ड करने में इसका प्रयोग करते हैं। इस वीडियो में हमने जाना थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेट मटेरियल में डिफरेंस। अब इसके आगे वाले वीडियो हम जानेंगे एक एक करके सभी मटेरियल के बारे में जानेंगे, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसका एप्लीकेशन क्या होता है। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।